इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप एक डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डुप्लीकेट पैन कार्ड मंगवाने के लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको अपना पैन कार्ड नंबर याद नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है अपना पैन कार्ड नंबर निकालने के। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने कहीं पर अपना पैन कार्ड नंबर लगाया था, जैसे कि अगर आपने कहीं पर बैंक अकाउंट ओपन कराया था, तो आप नेट बैंकिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू नॉमिनेशन एंड पैन डिटेल्स का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको आपका पैन नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग में जब आप जाएंगे तो प्रोफाइल में आपको आपका पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करना है 1800-180-1961। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नंबर है और सिर्फ एक यही तरीका है कि जिससे आप अपना पैन कार्ड नंबर पता कर सकते हैं। आप ये नंबर डायल करिए। तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा वो पैन नंबर जानने के लिए? जी, जो पैन अप्लाई करते वक्त आपने जो भी डिटेल्स फिल की थी, सेम वही डिटेल्स हमें चाहिए होता है। पैन होल्डर का नेम, एक भी स्पेलिंग, सारी स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। तो पैन होल्डर का डेट ऑफ बर्थ, एरिया पिन कोड, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, फादर्स नेम। सो जैसे कि आपने सुना, अपना पैन कार्ड नंबर पता करने का सिर्फ एक यही तरीका है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, कस्टमर केयर से बात करेंगे, उन्हें अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया पिन कोड बताएंगे तो वो आपको आपका पैन कार्ड नंबर बता देंगे। इसके बाद आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन टाइप में आप चूज करेंगे चेंजेस और करेक्शन, कैटेगरी में आप चूज करेंगे इंडिविजुअल, यहाँ पर आप टाइटल चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम या सरनेम डालेंगे, अगर आपका कोई फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर डालेंगे और मिडिल नेम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे जो कि आप यहाँ कैलेंडर से चूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर यस चूज करेंगे और यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे, जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और इसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा, ये टोकन नंबर आपको कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है EKYC एंड E-Sign जो कि पेपरलेस रहेगा। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ना तो अपलोड करना है और ना ही यहाँ पर स्कैन करना है। सेकेंड ऑप्शन है, इसमें आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और थर्ड ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के बाद उनको पैन ऑफिस सेंड करना पड़ेगा। तीनों में फर्क ये है कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप पहला या दूसरा चूज करेंगे, और अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आप यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हम पेपरलेस रखना चाहते हैं तो फर्स्ट चूज करेंगे। नीचे यहाँ पर आपको फिजिकल पैन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक करेंगे और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ यस करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट चार अंक डालने हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप यस कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर आप जेंडर चूज कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे और यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। इसके बाद आप चूज कर लेंगे पैन कार्ड पर आप मदर नेम चाहते हैं या फादर नेम चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एड्रेस आपके आधार कार्ड से लेगा और उसी एड्रेस पर पैन कार्ड डिलीवर किया जाएगा। नीचे यहाँ पर आप ISD कोड चूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ इंडिया। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी आ जाएंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और DOB प्रूफ में आधार कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको पैन कार्ड का प्रूफ देना होगा, जिसमें आप पैन कार्ड की कॉपी चूज कर सकते हैं या पैन अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड का कोई प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हिमसेल्फ हरसेल्फ चूज करेंगे, आपका नेम आ जाएगा, कितने डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, यहाँ पर हम 1 टाइप कर देंगे और यहाँ पर आप प्लेस डालेंगे, डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर डालने हैं।
इसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप एक बार सही से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आप नीचे आएंगे और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। हम ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 106 रुपीस पे करना होता है। नीचे आएंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे या भीम एप्लीकेशन से, तो हम यहाँ पर UPI चूज करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब या तो यहाँ पर आप अपने फोन पे, गूगल पे या भीम एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे, या फिर आप यहाँ पर अपना UPI एड्रेस टाइप करेंगे। UPI एड्रेस टाइप करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जिस एप्लीकेशन का भी आपने UPI एड्रेस डाला है, उसी एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट के लिए। आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन करेंगे और फिर आप पे पर क्लिक करके वहां पर पेमेंट कर देंगे। यहां पर मैंने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर आपको ना तो रिफ्रेश करना है और ना ही बैक करना है। आपको यहां पर एक मिनट का वेट करना होगा ताकि ये वेरीफाई कर ले कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं। यहां पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम नीचे आएंगे, यहां कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नीचे यहां पर हमें EKYC करनी होगी, क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट ना तो स्कैन कर रहे हैं और ना ही हम अपलोड कर रहे हैं। हम पेपरलेस यहां पर बनवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें EKYC करनी होगी। इसके लिए यहां टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां आप कंटिन्यू विद EKYC पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आपको यहां पर डालना है। OTP डालने के बाद यहां सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर ई साइन करना होगा। इसके लिए आप यहां कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर या वर्चुअल ID नंबर डाल देंगे। यहां पर इसको एक्सेप्ट करेंगे और नीचे रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहां पर डाल देना है। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ये PDF फाइल है, इसमें लॉक लगा हुआ है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही इसका पासवर्ड होती है। जैसे कि यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पर पैन कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने डिजिटली साइन किया है तब आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर EKYC और ई साइन दोनों किया है, तो हमें यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट पैन कार्ड अथॉरिटी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से आप अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।